सभी रामलला भक्तों की निगाहें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर टिकी हुई हैं कि कब मंदिर बनकर तैयार हो और हम रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। आपको बता दें कि अयोध्या हमेशा से पर्यटन का केंद्र रहा है, लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से अयोध्या में न केवल भक्तों की संख्या बढ़ी है बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के मन में यह शहर अपनी अमिट छाप छोड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है तो वहीं इसके साथ संपूर्ण अयोध्या का विकास भी हो रहा है। विकास के इस कड़ी में भगवान राम से जुड़े जितने भी स्थान हैं उन सबका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें सूर्यकुंड, भरतकुंड, गुप्तार घाट आदि शामिल है। ये तस्वीरें अयोध्या के गुप्तार घाट की हैं, जहाँ लगभग एक दशक पहले यहाँ नाव की संख्या मात्र दर्जन भर हुआ करती थी, लेकिन आज अयोध्या और गुप्तार घाट को मिलाकर यहाँ 125 से अधिक नाव हो गई है। लोग घाट किनारे नौका विहार का खूब आनंद ले रहे हैं। सरयू तट का किनारा भी श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा केंद्र हो रहा है, इसलिए यहाँ नौका विहार एक बड़ा व्यवसायिक स्वरूप ले रहा है। व्यवसाय में बढ़ोतरी के बाद से नाविकों में खुशी की लहर है। 10-12 साल हो गए लगभग। तो किस तरीके से पहले काम आप लोग का था, बिजनेस था? पहले यहाँ आदमी नहीं आते थे, अब ज्यादा आदमी आने लगे यहाँ पर। ये सब नया बना है, अभी 2 साल के अंदर में पूरा चौक बन रहा है। तो पहले जिस तरीके से बिजनेस क्या हो जाता था, कितना कमा लेते? पहले नहीं होता था, 10-20 रुपए नहीं मिला, बहुत ज्यादा खाने में मिल जाता। कभी ज्यादा मिल जाता, कभी कम मिल जाता। हमें सर यहाँ कम से कम 6 वर्ष से नाव चलाते हुए हो गए हैं। पहले हमारे पापा जी चलाते थे, अब हमारे चाचा चलाते हैं, अब साथ में रहते हैं, परिवार पूरा यहीं चलाता है हमारा। आप लोग की रोजी रोटी ये बस यही नाव है सर। अच्छा, पहले भगवान राम का मंदिर तो जी पहले भक्त नहीं बना, कोर्ट का आदेश हुआ मंदिर जी बन रहा है, तो श्रद्धालु कैसे इधर खींच रहे हैं? श्रद्धालु सर जैसे कि डेवलपमेंट हो रहा है, अभी तो शहर पूरे रोड पूरे से टूटे हुए हैं सर, जैसे कि कैंट एरिया ही स्वच्छ अभी स्वच्छ बचा हुआ है घूमने के लिए, पर्यटक के लिए जितने शहर के लोग इसे शाम के वक्त इसलिए गुप्तार घाट आ रहे घूमने। रोड जब बन जाएंगी श्रद्धालु सबको पता चलेगा, जैसे वैसे ही पता होगा सर। जैसे अयोध्या घूमने भी आएंगे, साथ गुप्तार घाट भी घूमने आएंगे, जितने यहाँ पे धाम हो चुके हैं उनको टूरिस्ट को बताया जाएगा, वो सब घुमाते हुए लेके आएंगे, वैसे हमारा व्यापार होगा। कुछ नाविकों का कहना है कि आने वाले समय में जैसे जैसे पर्यटक बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका व्यवसाय भी अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ से सर 10-100 नाव चलाता हूँ और सर मैं कमाता हूँ, यहाँ नाव मेरी है, मेरे पिताजी भी नाव चलाते थे, मैं भी नाव चला रहा हूँ। मैं निषाद परिवार से बिलोंग करता हूँ और सर मैं प्रेजेंट टाइम में गोताखोर भी हूँ। कोई अगर कोई व्यक्ति डूबता है उसको बचाते भी हम लोग हैं, उसकी मदद भी करते हैं। किसी के पास अगर पैसा ना हो, गरीब आदमी हो, तो उसकी मदद करते हैं। और योगी जी यहाँ पर बहुत डेवलप कर दिए, जिससे कि पब्लिक अब आ रही, हमारी कमाई इनकम बढ़ रही है। हम और योगी जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं योगी जी को, और हमारा जो योगी जी ने जो काम किया गुप्तार घाट में आके, ये बहुत ही अच्छा काम है जिससे पब्लिक डेवलप हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।